फिल्मी से बैराकेश में आपका स्वागत है। 3 जनवरी 1941 शाह अब्बास अली खान तनौली का जन्म बैंगलोर में हुआ। उन्हें हम सब एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर संजय खान के नाम से जानते हैं। संजय खान के जन्मदिन पर यह स्पेशल एपिसोड पेश है उन गानों के बारे में जो मोहम्मद रफी ने गाए एज प्लेबैक सिंगर संजय खान के लिए। रफी साहब की आवाज संजय खान के लिए पहली बार इस्तेमाल हुई 1966 की फिल्मों में। एक फिल्म थी दिल लगी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें दो गाने थे, एक रफी साहब सोलो था, तौबा ये नजारे ये कातिल इशारे। तौबा ये नजारे ये कातिल इशारे, लुट गए हम शहर में तुम्हारे। एक गाना साथ आशा भोसले ने गाया, अब जीने का मौसम आया। अब जीने का मौसम आया कि हम निकले थे तो। एक फिल्म थी 10 लाख, इंटरनेट के हिसाब से ये 1966 में रिलीज हुई थी। वैसे ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी। संगीतकार रवि। इसमें 3 गाने थे, एक गाना मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले ने गाया। गाने में कोरस भी है। मेन सॉन्ग ओम प्रकाश गाते हैं, बीच में रफी साहब की आवाज संजय खान पर भी है, रमेश देव पर भी है। गाना प्रेम धवन ने लिखा था, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना, तू सबसे बड़ा है दानी। एक रफी साहब सोलो था, ये भी प्रेम धवन ने लिखा, आ लग जा गले दिल रुबा। लग जा गले दिल रुबा, लग जा गले दिल रुबा। एक गाना रफी आशा डुएट था, फिल्म में 2 बार है। एक बार सिर्फ आशा भोसले सोलो था, उसके लिए आशा भोसले को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मेल फीमेल सिंगर्स का सेपरेट अवार्ड यहीं से शुरू हुआ था। गाना लिखा भी संगीतकार रवि ने ही था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। 1967 की ही फिल्म थी दिल ने पुकारा। इसमें 2 गाने थे, दोनों इंदिवर ने लिखे, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। एक रफी साहब सोलो था, देखा है सभी ने चांद को, देखा है सभी ने चांद को। एक रफी लता डुएट था, हमको होने लगा है प्यार तुमसे, को आने लगा करार तुमसे, प्रियतमा प्रियतमा। 1967 की ही फिल्म थी मिलन की रात, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें 1 गाना था, रफी साहब सोलो था, आंख मिलाए ना मुस्कुराए ना। आंख मिलाए ना मुस्कुराए ना, मेरा यार बड़ा शर्मीला। 1968 की फिल्म थी अभिलाषा, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। इसमें 2 गाने थे, एक गाना रफी साहब और मन्नाडे साहब ने गाया, एक जानिब शम्मे महफिल। एक जानिब शम्मे महफिल, एक जानिब रुए जाना। एक रफी साहब सोलो था, ये गाना 2 बार है, एक बार लता जी सोलो है, वादियां मेरा दामन। वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाई। 1969 की फिल्म थी बेटी, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार सोनिक ओमी। इसमें 2 रफी साहब सोलो थे, हसीन जुल्फों का रंग दे दो, मेरे महबूब तुम मुझको ना बना और दीवाना। हसीन जुल्फों का रंग दे दो, मेरे महबूब तू मुझको ना बना और दीवाना। 1969 की फिल्म थी एक फूल दो माली, संगीतकार रवि। इसमें 2 गाने थे, दोनों प्रेम धवन ने लिखे, एक रफियाशा डुएट था, ये पर्दा हटा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। एक मोहम्मद रफी एंड कोरस, ओ नन्हे से फरिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1969 की ही फिल्म थी माधवी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें 1 गाना था, रफी आशा डुएट, तुम मेरे सपनों में आना छोड़ दो, तुम मेरे सपनों में आना छोड़ दो, तुम मुझे छोड़।
छोड़ के जाना छोड़ दो। 1969 की ही फिल्म थी शर्त, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें एक गाना था ए हसीनो नाजनीनो। 1969 की ही फिल्म थी इंतकाम, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें दो गाने थे, एक रफिया शाह डुएट था हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। आपके प्यार का जो मिले आसरा। एक रफी साहब सोलो था जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। 1971 की फिल्म थी हसीनों का देवता, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म में तीन गाने थे, दो रफी साहब सोलो थे, टाइटल सॉन्ग हसीनों का देवता और गोरी के आंचल में। गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। गोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा। एक रफिया शाह डुएट था बालम दीवाने मुझे छोड़ दे। नैनों से नैना जरा जोड़ दे, जरा जोड़ दे। 1971 की फिल्म थी उपासना, इसमें एक गाना था, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, रफी लता डुएट। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। सिखना दो ना। 1971 की ही फिल्म थी मेला, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। इसमें तीन गाने थे, दो रफी लता डुएट थे, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, छूने न दूंगी चांदी का छल्ला, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहिले चल बाहों के सहारे। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, इसमें आखिरी अंतरा और आखिरी हिस्से में लता भी गाती हैं। इस तरह ये भी डुएट सॉन्ग ही हो गया। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे उधर से तो झूम के। 1971 की ही फिल्म थी वो दिन याद करो, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें दो गाने थे, रफी साहब सोलो, टाइटल सॉन्ग लता जी ने भी गाया, रफी साहब ने भी गाया है, वो दिन याद करो। और दूसरा गाना था मैंने चांद देखा है। भूल गए हो वो दिन याद करो, मैंने चांद देखा है। 1972 की फिल्म थी अनोखी पहचान, इसमें एक गाना था, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। 1972 की ही फिल्म थी सबका साथी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसमें दो रफी साहब सोलो थे, कबीरा रोए या मुस्काए, ये जान लो पहचान लो यहाँ कौन पराया है। कबीरा रोए या मुस्काए, ये जान लो पहचान लो यहाँ कौन पराया है। 1972 की ही फिल्म थी धड़कन, इसमें एक गाना था, लिखा था अली जलीली और रवि ने, संगीत रवि का। मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक। मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, ये साज नया नया गीत मुबारक। 1973 की फिल्म थी दामन और आग, इसमें एक गाना था, लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। रफिया शाह डुएट था मुस्कुराती हुई एक हुस्न की तस्वीर हो तुम। मुस्कुराती हुई एक हुस्न की तस्वीर हो तुम। 1974 की फिल्म थी दुनिया का मेला, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें एक गाना था, रफी लता डुएट, तौबा तौबा। इस गाने की भी एक कहानी है, ये फिल्म जब शुरू हुई थी तो इसका टाइटल कुछ और था, अमिताभ बच्चन और रेखा थे। ये गाना अमिताभ रेखा पर शूट भी किया, पर अमिताभ उन दिनों फ्लॉप चल रहे थे तो निर्माता ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और संजय खान को फिल्म में लिया।
फिर यह गाना संजय खान और रेखा पर भी फिल्माया गया। फिल्म को कंप्लीट होने में ज्यादा समय लग गया। आप दोनों गानों की झलक देख लीजिए। ये 1977 की फिल्म थी चांदी सोना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। इसमें एक कवाली थी मोहम्मद रफी, मन्ना डे एंड कोरस। एक शोक हसीना से अरमान भरी शादी। एक शोक हसीना से अरमान भरी शादी, मौसम ये जवानी का ये प्यार की आजादी। 1980 की फिल्म थी अब्दुल्ला। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। गाना था मैंने पूछा चांद से। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी। नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ तक 35 सॉन्ग्स बनते हैं, यानी 35 गानों में रफी साहब की आवाज संजय खान के लिए इस्तेमाल हुई। इन 35 गानों में सबसे ज्यादा 13 गाने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के थे, 7 आर डी बर्मन के, 6 रवि और कल्याण जी आनंद जी के, 2 सोनिक ओमी के, 1 शंकर जयकिशन का। गीतकारों में सबसे ज्यादा 11 गाने आनंद बख्शी के थे, 7 मजरूह सुल्तानपुरी के, 5 राजेंद्र कृष्ण के। संजय खान को जन्मदिन की मुबारकबाद के साथ मोहम्मद रफी और संजय खान के कॉम्बिनेशन का ये वीडियो यही पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।